वेलकम टाइप गुरु। तो आज हम लोग बात करेंगे आईटीआई फिटर फोर सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम हुआ था, जो भी डेट हो मुझे डेट नहीं मालूम है लेकिन पेपर मेरे पास अवेलेबल है तो उसका सलूशन हम लोग करेंगे। तो मेरे पास पेपर जो इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी हिंदी का पेपर जिस भी किसी के पास हो तो वो मेल कर दे, उन दोनों को पेपर को मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगा वेबसाइट से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज आपको 50 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो आपका आईटीआई फिटर का भी हुआ है फरवरी में, तो फोर्थ सेमेस्टर का ही है जो है डेट थ्योरी का। तो जो भी लोग पेपर दिए तो अपना आंसर मिला लें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि आपको लगता है आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में उसको करेक्शन कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका सलूशन है। काफ़ी सिंपल है पेपर। तो बुकलेट सीज मेरे पास बी अवेलेबल है, जिसके पास कोई भी हो ABCD, लेकिन पेपर सबका सेम ही होगा। पेपर फर्स्ट है ये थ्योरी फिटर का, थ्योरी फोर्थ सेमेस्टर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकलेट बी है हमारे पास और 50 क्वेश्चन थे 2 घंटे का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेट नंबर 036-227 आपका रेट कोड है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं एक एक फटाफट। तो पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कोटिंग प्रोसेस, कौन सा इसका मेटल को? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कोटिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा नाम होगा उसका मेटल कोटिंग प्रोसेस का। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस होगा इसमें, तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा डी। सेकेंड है, विच एलोइंग मेटल इम्प्रूव द टफनेस ऑफ स्टील एंड इज यूज टू मैन्युफैक्चर गियर्स एंड टूल, कौन सा ऐसा मेटल है एलॉयिंग मेटल जो आपको इम्प्रूव करेगा और टफनेस को स्टील में एंड मैन्युफैक्चर और गियर एंड टूल में कौन सा यूज होगा। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी। थर्ड पे चलते हैं, प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवर स्टील बिकॉज इट हैज, थर्ड का ऑप्शन बनेगा आपका डी, लीस्ट कोफिशियंट और एक्सपेंसिव। फोर्थ है, इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा आपका बी, ब्रास। फाइव नंबर है, कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लीकेंस बिकॉज ऑफ, तो फाइव का ऑप्शन बनेगा डी, गुड कंडक्टर है आपका इसलिए। सिक्स नंबर में आपका डायग्राम है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैमरिंग कॉपर, कॉपर का पर्पस क्या है आपका यूज़ करने का। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा डी, इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा डी। सेवन में चलते हैं, विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइट और, सेवन का ऑप्शन बनेगा डी, एल्युमिनियम। एट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इज कास्ट आयरन टू प्रमोट मशीनेबिलिटी, तो एट्थ का ऑप्शन बनेगा आपका बी, 8%। नाइन नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, ये आप कौन सा नेम आपके डिवाइस है, तो नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा बी, ये आपकी पाइप वाइस है। टेन नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स पार्ट, तो एक्स पार्ट का नेम आपको बताना है, इस पार्ट का नेम, तो टेंथ का ऑप्शन बनेगा आपका डी, एडजस्टिंग नट। 11 नंबर चलते हैं, एंगल इज प्रोवाइडेड इज एल्बो एंड बेंड इज पाइप लाइन वर्क, 11 का ऑप्शन बनेगा ए, 90 to 40 डिग्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये कौन सी पाइप फिटिंग का नेम है आपका, तो 12 का ऑप्शन बनेगा ए, प्लग कॉक। 13 नंबर है, विच वाल्व इज यूज फॉर फाइन कंट्रोल टू फ्लो इन पाइप लाइन, तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी, ग्लोब वाल्व। 14 नंबर में चलते हैं, हाउ टू रेक्टिफाई द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप आफ्टर क्लोज फ्रिमली, तो इसमें पूछा गया है कि जब आप वाटर में कहीं लीकेज होता है तो उस केस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं अपने टैप को या रिप्लेस करते हैं पैकिंग को या रिप्लेस करते हैं वाशर को, तो 14 का ऑप्शन बनेगा दी, हम लोग वाशर को रिप्लेस करते हैं। विच टाइप ऑफ बुसेस आर यूज इन जिग टू परफॉर्म वन और मोर ऑपरेशन इन सेम टाइम, कौन सा जिग यूज करेंगे परफॉर्म करने एक ही टाइम पे काफी ज्यादा, तो 15 का ऑप्शन बनेगा ए, स्लिप बुश। 16 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप, क्लैंप का नेम बताना है, क्वेश्चन में देख ले, 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, टॉगल क्लैंप। 17 है, व्हाट व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन, मशीन जब आपकी चल रही है उस समय कौन सी डिवाइस आपको होल्ड करेगी, सपोर्ट करेगी, लोकेट करेगी और आपकी कटिंग करेगी, 17 का ऑप्शन बनेगा बी, फिक्सचर।
18 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स एंड यूज इन फिक्सचर, तो 18 का ऑप्शन बनेगा ए पोजिशनिंग द फिक्सचर एट वर्क। 19 व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर, कौन सी बेल्ट है ये, तो 19 का ऑप्शन बनेगा सी एलिगेटर टाइप। 20 नंबर पर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का नाम बताना है आपको, तो 20 का ऑप्शन बनेगा डी वुडरफ की। 21 वाई द फेस ऑफ पुली इज क्राउडेड इन पावर ट्रांसमिशन, बिकॉज इंक्रीज ऑफ टेंशन। 22 का मुझको ऑप्शन नहीं पता है, उसमें डाउट है, लेकिन आप लगा सकते हैं वाई फिल्टर इज इंस्टॉल इन द सक्शन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक पंप, तो इसका मुझे आंसर नहीं मालूम है, नहीं आया, तो इसका आंसर अगर आपको पता हो 22 का तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर वीडियो के आंसर आपको डाल देंगे, बाकी बता देंगे आपको, लेकिन हो सकता है गलत हो, इस चक्कर में मैंने इसका आंसर नहीं लिया, तो ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, पर्पस ऑफ की आपका क्या है, की को यूज़ करते हैं क्यों, तो 23 का ऑप्शन बनेगा ए ज्वाइन टू पार्ट। 24 विच ड्राइव इज यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो 24 का ऑप्शन बनेगा सी रोप ड्राइव। 25 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स गियर, इस पार्ट का नाम बताना है, 25 का ऑप्शन बनेगा सी एडेंडम। 26 पर चलते हैं, विच चेन ड्राइव प्रोवाइडेड नॉइस लेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, 26 का ऑप्शन बनेगा बी टूथ हेड। 27 वेयर द यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज, 27 का ऑप्शन बनेगा डी ऑटोमोबाइल व्हीकल। 26 28 पर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर ड्राइव, कौन सा गियर ड्राइव है ये, 28 का ऑप्शन बनेगा डी हाइपोइड गियर। व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन, 29 का ऑप्शन बनेगा बी रिंग ऑयलिंग। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंबल, तो 30 का ऑप्शन बनेगा आपका बी वीकली ऑयलिंग हम लोग करते हैं। विच गियर इज एसीमेट्रिक टू ईच एन एसी टू ट्रांसमिशन मोशन इन राइट एंगल, 31 का ऑप्शन बनेगा हेलिकल गियर। 32 है वाई जियोमेट्रिक टेस्ट इज कैरिड आउट वाइल टेस्टिंग मशीन इज टूल, तो 32 का ऑप्शन बनेगा परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, 33 का ऑप्शन बनेगा ए रॉल बोल्ट। 34 पर चलते हैं, तो एक आंसर और मुझे नहीं आया, 35 नंबर है, आता है बल्कि मैं आंसर आपको गलत नहीं बता सकता हूँ, तो हो सकता है और भी आंसर गलत हो, लेकिन जो मुझको नहीं मालूम है वो मैंने आपको डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है, पेंडिंग पे रखते हैं इसको भी, इसका भी आंसर आपको बताएंगे, अगर आपको पता तो कमेंट आप कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ स्प्रिंग इज सुटेबल फॉर हाई लोड एंड लिमिटेड स्पेस, तो 34 का ऑप्शन बनेगा डी कंप्रेशन स्प्रिंग। और इसमें बेसिकली पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ रोप नॉट इज यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग लाइट लोड, अगर लाइट लोड अगर आपको यूज़ करना है तो किस तरह आपकी नॉट आप रस्सी में बांधेंगे, गांठ जो आप लगाते हैं वो किस प्रकार से लगाएंगे, तो कई तरह की गांठें आपकी होती हैं आपने देखा होगा, तो वो किस प्रकार की गांठें आप लगाएंगे लाइट लोड में, तो स्लिप नॉट ब्लो लाइन नॉट स्क्वायर नॉट, तो अगर आपको पता हो इसका आंसर तो आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर इसका करेक्शन कर दिया जाएगा, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। 36 का ऑप्शन बनेगा डी डबल रिवेट जिग जॉग पॉइंट, ये चित्र आपका दिया गया है। 37 में ऑप्शन बनेगा आपका बी अलाइन द होल टू बी रिवेटेड। 38 में ऑप्शन आएगा आपका बी एक्सप्लोसिव रिवेट। 39 में ऑप्शन आएगा व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ रिवेट, तो 39 है आपका ए डी इक्वल टू 1.40। 40 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए, 40 नंबर में सी बनेगा बकल बिटवीन रिवेट। 41 में भी आपका दिया गया है नेम ऑफ द टूथ लुक वाइजर, तो 41 का ऑप्शन बनेगा बी एक्सटर्नल टाइप। 42 का ऑप्शन मुझे नहीं आया है, इसको ही पेंडिंग पर रखते हैं, तो तीन क्वेश्चन आपके पेंडिंग हैं, तो अगर आपको इसका आंसर पता तो आप बता सकते हैं, ये भी पेंडिंग पर रखा गया है। 42 नंबर, तीन क्वेश्चन हो गए आपके। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, 43 का डी है ट्रंक माउंटेन क्रेन, तो इतने मैंने बता दिए, इतने भी आप कर लिए होंगे, सही होंगे आपके, तो आप पासिंग मार्क हो जाएगी। विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डिंग कॉपर ब्रास एंड टिन शीट, तो 44 का सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 45 व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन ब्रेस वेल्डिंग, 45 का सी रिड्यूस द फिलर मेटल कंपोजिशन।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर कोटेड कंटेंट इन सिल्वर ब्रॉन्ज रॉड 46 का बी बनेगा 80%। 47 विच मेटल कैन सोल्डर यूजिंग हाइड्रोलिक एसिड इन फ्लक्स 47 का सी आएगा गैल्वनाइज्ड आयरन शीट। विच प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन हीटेड सॉल्ट बॉट 48 में ए आएगा कार्बोराइजिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपर्ट, इस एक्सपर्ट का नाम बताना है 49 में, ए ऑप्शन बनेगा हील। ये आपका हैंड हो गया, ये सेंग हो गया आपका, बाकी ये बचा हील। 50 नंबर द मेटल एलॉय कंटेंट इज सॉफ्ट हॉर्डर, 50 का ऑप्शन बनेगा ए सिल्वर कॉपर जिंक और कैडिनियम। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन ये पेंडिंग है। अगर इसमें से भी किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप आंसर जो आपको पता हो अगर आपको लग रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं, फिर उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे कि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।